एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है फिफ्थ क्लास एसएसटी का ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। सो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड दैट इज नॉट अ कॉन्टिनेंट। ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है और ये कोई कॉन्टिनेंट नहीं है। इट इज़ अ सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड की कैपिटल न्यूक है, जिसको हम पहले गॉडथैप के नाम से जानते थे। फर्स्ट यूरोपियन जिन्होंने विजिट किया था ग्रीनलैंड पर, उनका नाम था एरिक द रेड एंड ही वॉज द पर्सन जिन्होंने ग्रीनलैंड को उसका नाम दिया था। ओके, ना हम पूरी वीडियो में ग्रीनलैंड के क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, लोग वहाँ पर कैसे रहते हैं, लोग अपने सर्वाइवर के लिए क्या ऑक्यूपेशन, क्या इंडस्ट्रीज करते हैं, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लाइमेट के बारे में। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू द साउदर्न पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड। हमारे ग्रीनलैंड के साउदर्न पार्ट से होकर के आर्कटिक सर्कल गुजरता है। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो फ्रिजिड जोन है वहाँ पर लाए करता है। ठीक है, फ्रिजिड जोन में होने की वजह से और आर्कटिक सर्कल पासिस होता है वहाँ से, इसकी वजह से ग्रीनलैंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रीजन माना जाता है। 80% ग्रीनलैंड जो है वो हमेशा आइस से कवर रहता है, ढका हुआ रहता है। एज वी स्टडीड कि हमारे ग्रीनलैंड में 80% आइस होती है, बर्फ होती है। सो कभी कभी ह्यूज पीसेस आइस के ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, टूटते हैं और सी समुद्र के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। और ये फ्लोटिंग आइस पीसेस जो होते हैं इनको हम आइसबर्ग बोलते हैं। दीज आइसबर्ग्स आर समटाइम डेंजरस टू द ships। ये icebergs जो होते हैं वो कभी कभी क्या होते हैं, dangerous हो जाते हैं ships के लिए, क्योंकि ये जितने छोटे दिखाई देते हैं ऊपर से, ये उतने छोटे नहीं होते हैं। ये ships के लिए dangerous होते हैं अगर ships जो वहाँ से पास हो रही हैं, और unfortunately अगर वो icebergs से टकरा जाती हैं तो वो ships में बहुत बड़े damages हो सकते हैं। नेक्स्ट, साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ द वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। ग्रीनलैंड सिर्फ कोल्ड रीजन ही नहीं है, यहाँ पर वार्मेस्ट पार्ट जो है इस पूरी कंट्री का वो है साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड का साउथ वेस्टर्न कोस्ट ग्रीनलैंड कंट्री का सबसे वार्मेस्ट पार्ट माना जाता है, और यही कारण है कि यहाँ पर ग्रीनलैंड में जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से मोस्ट ऑफ द पीपल्स साउथ वेस्टर्न कोस्ट की तरफ रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ की। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि ग्रीनलैंड में 80% आइस होती है, सो इसी वजह से यहाँ पर हम कुछ भी ग्रो नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फॉरेस्ट नहीं होता, कोई भी हम फसल नहीं उगा सकते। बट सम प्लांट्स ग्रो ड्यूरिंग समर मंथ्स। समर मंथ्स में हम कुछ एक प्लांट्स जो है वो ग्रो कर सकते हैं। एनिमल्स की हम बात करते हैं तो वह एनिमल्स या वो एनिमल्स यहाँ पर मिलेंगे आपको जो कि इतने ठंडे रीजन में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हों, जैसे कि पोलर बियर, रेनडियर, मस्क ऑक्स, वॉल्फ, आर्कटिक फॉक्स, सील, ये एनिमल्स वहाँ पर पाए जाते हैं। इनके अलावा बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ की फिशेज एंड सी बर्ड्स भी यहाँ पर आपको बहुत सारे फिशेस अलग अलग वैरायटी के और सी बर्ड्स और ऐसे एनिमल्स जो कि बर्फ में इतने ठंडे इलाके में रह सकते हैं, या हम ये कहें कि ऐसे एनिमल्स जिनका जो स्किन होता है वो फर से बना हुआ होता है या बहुत मोटी स्किन होती है, वैसे एनिमल्स यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं और पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं द पीपल। तो यहाँ पर एस्किमोज, जिन्हें हम इन्यूट के नाम से भी जानते हैं, एस्किमोज आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड। एस्किमोज जो थे वो ओरिजिनल
इनहेबिटेंट्स माने जाते हैं ग्रीनलैंड के, ये जो है मेनली हंटर्स होते हैं और ये फिशिंग करके या हंटिंग करके ही सर्वाइव करते हैं, और ये हंटिंग करते हैं उन्हीं एनिमल्स की जो यहाँ पर पाए जाते हैं, जो अभी हमने पढ़ा प्रीवियस, पोलर बियर एंड मस्क ऑक्स, आर्कटिक फॉक्स, इन्हीं सभी एनिमल्स को ये हंट करते हैं। और फिशिंग भी यहाँ पर इजीली होती है क्योंकि ये क्या है, समुद्र के बिल्कुल पास होता है, तो फिशिंग और हंटिंग ये दो काम है जिससे ये लोग सर्वाइव करते हैं। एनिमल्स जिनकी ये हंटिंग करते हैं उनकी स्किन का या उनके जो फर होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं अपने क्लोथ्स बनाने के लिए, ठीक है, जो इनके ट्रेडिशनल कोट्स होते हैं, जैसे कि आज के टाइम पर हम हुड पहनते हैं, कुछ उस तरीके के ये लोग अपने क्लोथ्स बनाते हैं, और जो फैट होता है उसको एज अ फ्यूल ये लोग यूज़ करते हैं। पहले हंटिंग के लिए ये लोग हारपून्स और बोज का इस्तेमाल करते थे, मतलब जैसे धनुष बाण या तीर होते हैं उनका इस्तेमाल करते थे, और आज के टाइम पर मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, आज के टाइम पर इनके पास भी मॉडर्न गन्स आ गए हैं, टूल्स आ गए हैं, वेपन्स आ गए हैं जिनका ये इस्तेमाल करते हैं। इन्यूट्स जो होते थे ये नोमैडिक पीपल्स होते थे, नोमैडिक पीपल्स का मतलब जो एक जगह सेटल्ड नहीं होते, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रैवल करने के लिए पहले स्लेज का इस्तेमाल करते थे, जो कि डॉग्स, हस्कीज जिन्हें हम बोलते हैं, उनके द्वारा पुल की जाती थी, या कयाक्स, कयाक्स एक तरीके की बोट होती है जो कि ये समुद्र में इस्तेमाल करते हैं फिशिंग के लिए, ओके। बट आज के टाइम पर इन लोगों के पास मोटर बोट्स और मोटर स्लेजेस हैं, तो वो भी मॉडर्न हो चुका है। वाइल्ड रोमिंग अराउंड द इन्यूट बिल्ट टेम्परेरी हाउसेज मेड ऑफ आइस ब्लॉक्स कॉल्ड एज एन इग्लू, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो इन्यूट्स होते हैं वो नोमैडिक होते हैं, तो इसीलिए जब ये एक जगह से दूसरी जगह हंटिंग के लिए या फिशिंग के लिए जाते हैं तो इसमें 7-8 दिन जितने भी लगते हैं, तो ये लोग उन जगहों पर जाकर के टेम्परेरी हाउसेस बनाते हैं जो कि आइस ब्लॉक्स से बनते हैं, जिन्हें हम इग्लू बोलते हैं। एंड आई नो कि आप सब इग्लू के नाम से ही बहुत फैमिलियर होंगे, आपको पता होगा कि इग्लू कैसा होता है, कैसा दिखता है एंड किससे बनता है, ओके। बट ये सारी चीज़ें जो थी वो पहले होती थी, आज के टाइम पर ग्रीनलैंड में भी वेल सेटल्ड लोग रहने लगे हैं, प्रॉपर अपने हाउसेस बनाते हैं और अच्छे से वहाँ पर रह करके अपने काम को एक ही जगह से करते हैं। नोमैडिक जो ट्रेडिशन है वो अब थोड़ा पुराना हो चुका है। टुडे ग्रीनलैंड पॉपुलेशन इज़ अबाउट 56,000 पीपल, आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो लगभग 56,000 के अप्रॉक्स ग्रीनलैंड की पॉपुलेशन है, और यहाँ पर दोनों ही, चाहे यूरोपियंस चाहे इन्यूट्स, दोनों ही मिक्स्ड पॉपुलेशन यहाँ पर पाई जाती है। और हमने लास्ट पढ़ा था, पीछे जब हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि ज़्यादातर लोग, जितनी भी यहाँ पर पॉपुलेशन है ग्रीनलैंड की, उसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट में रहते हैं, क्योंकि वो इस कंट्री का वार्मेस्ट पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट हमारा है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, फिशिंग प्रोसेसिंग, फिश प्रोसेसिंग इज द मेजर इंडस्ट्री इन ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के अंदर सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है फिश प्रोसेसिंग की। मैंने अभी भी आपको पहले भी बताया था कि फिशिंग एंड हंटिंग ये दो चीज़ें इनके मेन काम होते हैं जिससे ये सर्वाइव करते हैं। अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड इन साउथ वेस्टर्न रीजन इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, बहुत ही छोटा हिस्सा साउथ वेस्टर्न कोस्ट जो कि वार्मेस्ट पार्ट है यहाँ का, वहाँ पर बहुत छोटा सा हिस्सा ऐसा है जहाँ पर एग्रीकल्चर ये लोग कर सकते हैं या की जा सकती है, जो कि सुटेबल माना जाता है एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन वहाँ पर भी बहुत थोड़े से ही क्रॉप्स, लाइक पोटैटोज ही हम मेनली, वहाँ पर आलू ही है जो उगा सकते हैं, इसके अलावा हम वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ होती है, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, आई होप आप सभी को अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा, और आप इस वीडियो से रिलेटेड वर्कशीट वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।